पढ़ने जा रहे हैं आप डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि अब आप किसी टर्म को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 को मैंने अगर 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 2 की टेबल में 15 से छोटा क्या आता है, 7 से जाते हैं 14 आता है और रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो आपको पता है कि ये क्या होता है अपना डिविडेंड, ये क्या होता है डिवाइजर, और ये क्या होता है कोशेंट, और ये क्या होता है रिमाइंडर। तो हमें पता है कि डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस क्या होता है रिमाइंडर। यहाँ पर डिविडेंड कौन बनेगा, वो पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, जिससे आप डिवाइड करोगे, डिवाइजर क्या होगा gx, यानी आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा कोशेंट, उसको क्या होगा x से डिनोट करोगी, प्लस रिमाइंडर को किससे डिनोट करोगी rx से, ठीक है। इसके बेस पर एक्सरसाइज है, सिंपल है, वैसे आपने नाइन्थ में किया हुआ, आपने डिवाइड की हुई है, उसी को एक तरीके से रिपीट किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि आपको वेरीफाई करना है कि आपको डिवाइड करके दिखाना है पॉलिनोमियल, कोई पी एक्स अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, वो जी एक्स आपको दे रखा है x² माइनस 2, आपको डिवाइड करना है और आपको क्या निकालना है, एक तो निकालना है कोशेंट और प्लस और एक क्या निकालना है रिमाइंडर, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, नॉर्मली जैसे डिवाइड करते थे, जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखो, जिससे डिवाइड करना है उसको इधर लिखो, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी पॉलिनोमियल को जब आपने आपस में डिवाइड करना है तो वो क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सॉरी किस ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे ऐसे कांस्टेंट नंबर, जैसे यहाँ पर भी ध्यान रखना है इसका भी, ठीक है, जिससे डिवाइड करो उसको भी और जिसको डिवाइड कर रहे हो उसको भी ध्यान रखना, हमेशा किस में पावर होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ओके। अब देखो डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखो आपके पास x² है और यहाँ पर क्या है x³, आप x² को x³ बनाना चाहते हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे x से, तो आपने क्या करना है x² माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है x से, तब देखो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगी x³ और सेकेंड टर्म क्या आएगी माइनस का 2x, तो वो आप इसके नीचे लिखोगे, कैसे लिखोगे ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म x³ है तो x³ के नीचे लिखोगे, सेकेंड टर्म कितनी आई 2x, तो वो आप x वाली टर्म के नीचे लिखोगे ना कि x² के नीचे, ठीक है, तो आपने इधर लिखना है। अब नेक्स्ट में अलजेब्रा में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, क्योंकि ये माइनस होती है, ये साइन माइनस का काउंट होगा और ये साइन किसका काउंट होगा प्लस का। अब x³ से x³ फिनिश हो जाएगा, अब ये नहीं है कि आपने पहले x वाली रकम लिखनी है, आपने x² वाली रकम लिखनी है, ये उतार कर आप इधर लेके आओगे, माइनस का 3x² 5 और 2 ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, बचा हुआ माइनस 3 भी लेके आओगे। नेक्स्ट आप x² को क्या बनाना चाहते हो, माइनस का 3x², है ना, तो आप x² माइनस 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे माइनस 3 से, आप माइनस 3 से करके लाओगे, फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी माइनस 3x² और ये कितना आ जाएगा प्लस का 6, ये आपका रफ वर्क है, ये क्या है रफ, कभी आप फेयर में मत करना इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x² और प्लस का 6 आएगा, वो कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे लिखोगे। नेक्स्ट आप इसमें से क्या करोगे, इसको प्लस का साइन करोगे, ये कट हो जाएगा, अब इधर देखो 7x एज उतरेगा और इसका साइन भी चेंज होगा, ये किसका बन जाएगा माइनस का, और आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और साइन कितना आएगा माइनस का ही आएगा, ये आपका रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पर आपने किससे मल्टीप्लाई की थी माइनस 3 से ना, तो आपने यहाँ पे माइनस 3 लिखना, ओके। तो आपने देखा ये क्या आएगा आपका कोशेंट कितना आ गया यहाँ पर एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर कितना आ गया 7x - 9, ओके। इस तरीके से आपने इसके सारे पार्ट्स करने हैं, लेकिन बस ध्यान रखना है कि पावर ऑफ वेरिएबल कैसे आनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए, पहले 3 फिर 2 फिर 1। एक पार्ट और करते हैं, चलो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड जी एक्स
हमें कितना दे रखा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसमें यही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज देखो ये गलत है ना, उल्टा हो गया ना, आप इसको कैसे डिवाइड कर पाओगे, आप इसको सही लिख लेना, ये माइनस का एक्स स्क्वायर पहले और प्लस का 2 बाद में, ये तो चलो डिसेंडिंग में है। अब आप डिवाइड करो इसको, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, आप इसको डिवाइड करोगे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। देखो आप माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बनाना चाहते हो, प्लस का x की पावर 4, तो आप रफ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप यहाँ पे प्लस का बनाना चाहते हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के एक्स स्क्वायर से। तब क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस का एक्स की पावर 4, बट इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 2x स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो यानी ऊपर तो लिखना है अपनों ने माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आप पहला आंसर क्या, पहला क्या बनी, एक बना x की पावर 4 और दूसरी टर्म क्या आई, माइनस 2x स्क्वायर। ये क्या आपका रफ वर्क, ये रफ कॉपी में लिखना, यहां पर शो नहीं करना। आप साइन चेंज करो, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का, माइनस से माइनस कट, प्लस का 2x स्क्वायर बड़ा होगा वो आगे लिखोगे, बचा हुआ 5x लिखोगे, प्लस का क्या लिखोगे 6। अब माइनस के एक्स स्क्वायर को आप प्लस का 2x स्क्वायर बनाना चाहते हो, आपके पास तो क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, आप इसको प्लस का 2x स्क्वायर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको किससे गुणा करनी पड़ेगी, माइनस के 2 से। तब आपका टर्म क्या बन जाएगी, प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का क्या बनेगा 4, तो आप इसके नीचे लिखोगे प्लस का 2x स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 4, और यहां पर क्या लिखोगे, आपने किससे मल्टीप्लाई की, माइनस के 2 से। ठीक है, तो अब साइन चेंज करो, ये माइनस का और ये प्लस का, ये फिनिश हो जाएगा, बचा हुआ माइनस का 5x उतारोगे और 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। ओके, तो आपने देखा कि आपका कोशेंट कितना आया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एंड रिमाइंडर कितना आया, माइनस का 5x प्लस 10। ओके,